हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना के क्या सुना था। संजू कहती है कि चलो यार कुछ खा के आते हैं, भूख लगी है। उसके बाद तुम्हारी शिफ्टिंग भी करवानी है। तो वो कहती है अक्के कि यार मुझे तो भूख नहीं लग रही है। तो कहती थप्पड़ लग जाएगा। अब इतनी खुशी है शिफ्ट होने की और अपने प्यार के साथ रहने की कि मेरे साथ अब कुछ खाना भी नहीं है। तो मैं कहती है यार क्या है, तुम भी कहाँ की बातें कहाँ छोड़ देती हो, हद करती हो। तो कहती है मैं हद करती हूँ या तुम तो हद कर रही हो। कहती है यार क्या ही बताऊँ, क्या बताऊँगी, चलो अब। और ये कह के वो अक्के का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए लेके जाती है। तो अक्के कहती है कहाँ लेके जाओगी। तो कहती है तुम बताओ कहाँ का खाना खाना है तुम्हें। और अक्के ये मत कहना कि तुम्हें भूख नहीं लगी है, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो ऑब्वियसली भूख तुम्हें भी लगी है और मुझे भी लगी है। तो ये कहना बंद करो कि तुम्हें भूख नहीं लगी, ठीक है, अब बताओ। तो कहती है कि चलो चलते हैं कुछ खा ही लेते हैं। तो संजू कहती है वैसे तुम इतने दिनों से यहाँ रह रही हो, तुम्हें कुछ तो पता होगा कि यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है। तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड तुम्हें कहीं तो ले गई होगी, चलो आज वहीं चलते हैं। तो कहती मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाती कहीं भी। कहती यार तुम कितने नाटक करती हो, इतने तो गर्लफ्रेंड्स के नाटक होते हैं लेकिन यहाँ तो तुम्हारे ही नाटक कुछ ज़्यादा है। चलो मैं लेके चलती हूँ तुम्हें सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में आज। तो ये कह के वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और उसे बैठाते हैं और ये लोग रवाना हो जाते हैं खाने के लिए। थोड़ी देर में एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रुकती है, ये लोग उतरते हैं, अंदर जाते हैं और बैठते हैं, खाने का ऑर्डर देते हैं। तभी पूजा वहाँ आ जाती है सीधे अक्की के पास। अक्की को देखती है तो अक्की संजू कैसे कंधे पे सर रख के बैठी होती है, हल्की सी थकान हो रही होती है। तो कह रही होती है यार बहुत थक गई आज मैं। संजू कह रही होती है कि हाँ बहुत ज़्यादा काम किया ना आज तुमने, तुम थक गई। अभी तो काम की स्टार्टिंग में नहीं हुई कि तुम थक गई, आगे क्या हाल हुआ तुम्हारा, ये सब बातें चल रही होती है। वो आके खड़ी हो जाती है और धीरे से अक्की के शोल्डर पे हाथ रखती है। तो अक्की पीछे पलट के देखती है और कहती है तुम यहाँ। सडन तो कहती क्यों कि तुम्हें मुझे यहाँ देख के लग रहा है कुछ खास खुशी नहीं हुई। तो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। तो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो मैं सडन मैंने यहाँ देखा ना इसलिए। तो संजू इशारा करती है कौन है ये। तो पूजा संजू की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है आई एम आवर गर्लफ्रेंड पूजा, आपको लग रहा है मेरे बारे में बताया नहीं अक्की ने। अक्की कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल क्रॉस करने में लगी हुई हो। तो
नहीं संजू के दिमाग में क्या आता है। वो कहते हैं आप उसकी गर्लफ्रेंड हैं सीरियसली? तो कहते हैं कि यस। अकी ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो अक्की जो है उसे सवालिया नजरों से देखती है कि मैंने तो तुम्हें सब कुछ बताया था। मतलब ऐसे कुछ बोलती नहीं है, निगाहों में उसके सवाल रहता है। तो कहती है ऐसे क्या देख रही हो मुझे, क्या मतलब तुम मुझे डबल डेट कर रही हो, तुम धोखा दे रही हो मुझे। हाँ नहीं सीरियसली मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अक्की। तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है जैसे तुम कितनी सीधी हो, तुम कितनी भोली हो, तुम किसी के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे धोखा दे रही हो। तो पूजा कहती है व्हाट डू यू मीन कि तुम्हें धोखा दे रही है। मैं पूजा जी मैं गर्लफ्रेंड हूँ इसकी और इसने मुझे बताया भी नहीं कि ये आपके साथ। तो पूजा अक्की की तरफ देखते हुए कहते हैं सीरियसली अक्की तुम ऐसा कर सकती हो, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो अक्की कहते हैं कि क्या कर रही हो यार संजू, प्लीज़ मजाक बहुत हो गया, सच बोलो। तो संजू कहते हैं कैसा सच, जो सच है वही बोल रही हो तुम। तो पूजा कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये कह के जाने लगते तो अक्की खड़ी होकर पूजा का हाथ पकड़ती है, कहती है मेरी बात तो सुनो। कहती क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी, मैंने तुम्हें एक बात कही करने के लिए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसके लिए मैंने तुमसे कुछ डिमांड कर ली, तो तुमने उसके बदले में दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली। यार मुझे एक बार बोल देती कि नहीं कर सकती हो तो मैं तुमसे जिद नहीं करती दोबारा। मुझे लगा तुम मेरी बात सुनती हो, समझती हो, इसलिए मैंने ये तो तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। तो अक्की उठती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है लिसन ये मेरी कज़न है, ज़्यादा ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है और ये मजाक कर रही है जस्ट। तो संजू कहती है कि क्या मतलब है मैं तुम्हारी कज़न हूँ, अब तुमने मुझे कज़न बना लिया? नहीं तुम ये बता दो मेरी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू है या नहीं है। हाँ तुम्हारी सच्चाई पकड़ी जा रही है तो तुमने मुझे कज़न बना लिया। पूजा इसकी बातें सुनना मत, ये ऐसे कैसे तुम झूठ कैसे बोल सकती हो अक्की। तो अक्की उसके सामने हाथ जोड़ लेती है, कहते संजू बस कर जा यार, एक तो हमारे बीच में ऐसे कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऊपर से तेरे नाटक। ठीक है प्लीज़ मत कर यार। तो पूजा कहती है तुम सब सच बताओ कि, तो कि कहती है मेरी कज़न है यार, मैंने रूम लिया है इसी ने दिलाया है, हम वही देखने गए थे, कॉलेज में मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं थी,
वहाँ रूम देख दाख के भूख लगी थी, हम यहाँ खाना खाने आए थे। तो पूजा कहती है सच में यही बात, तुमने रूम ले लिया, तुम रूम देख के आई हो। तो कहती है और क्या नहीं, तुम्हारे लिए ही देखने गई थी तुम्हारे कहने पे, वही कज़न है मेरी, मेरी बात पे यकीन करो। तो अक्की अक्की को पूजा टाइटली हग करती है और कहती है आई ट्रस्ट यू। अक्की की जान में जान आती है ये बात सुनकर, कहती है थैंक गॉड। और वो संजू की तरफ देखते है, कहती है हो गया तुम्हारा ड्रामा ख़त्म या अभी और करना बाकी है। कहती है क्या यार पूजा, तुमने इसके ऊपर शक भी नहीं किया, मैं तो थोड़ा सा ड्रामा चाहती थी, ऐसे कैसे इतनी जल्दी तुमने इसको माफ़ कर दिया किसी और लड़की के साथ देख के। तो पूजा कहती है मुझे भरोसा है इन पे कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मुझे हर्ट हो, जिससे मुझे तकलीफ़ हो या मेरे दिल को ठेस पहुँचे, बस इसलिए माफ़ कर दिया मैंने, मुझे यकीन है उन पे। तो कहती अच्छा इतना यकीन कि तुम्हारे दिल में एक बार भी ये बात नहीं आई कि हो सकता है ये मुझे धोखा दे रही हो। तो मुझे कहती नहीं, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है और शायद कभी आएगी भी नहीं, आई ट्रस्ट हर। पूजा ये कह के अक्की को और जोर से हग करती है और संजू पूजा को बड़े ध्यान से 2 मिनट तक देखती है। तो अक्की शहरों में पूछती है कैसे क्या देख रही है, संजू कहती है कुछ नहीं। और फिर कहती है अब खाने का ऑर्डर दे लें पूजा, ज्वाइन करो हमें। तो ये पूजा भी वहीं बैठ जाती है और अक्की कहती है वैसे तुम यहाँ कैसे, कहती है कि कुछ नहीं तुमसे बात नहीं हो रही थी, मेरा मूड ख़राब था, मेरा मूड ख़राब होता है तो मैं अक्सर यहीं आती हूँ, पार्टी करनी है तो भी मैं यहीं आती हूँ, मतलब किसी भी चीज़ के लिए मैं यहीं आती हूँ, तो बस इसीलिए आई हो, मेरे हाथ ही तुम पे नज़र पड़ गई। तो कहती है ओह। फिर ये लोग खाने का ऑर्डर देते हैं, खाना खाते हैं। स्पीच संजू पूजा के बारे में बहुत सारे सवाल करती है और पूजा संजू के बारे में, दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग शायद आज स्टोरी अच्छी ना लगे, आवाज़ भी मेरी ऐसी हो रही है और बस सुनाई दिया क्योंकि परसों भी गैप था और कल भी गैप था, तो आज देना ज़रूरी हो गया था, हिम्मत तो मेरी आज भी नहीं हो रही थी, बट ठीक है आप लोगों के लिए इतना तो बनता है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। बाय बाय, टेक केयर।